हेलो दोस्तों, मैं हूं KYJ और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिशन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं उसका ISO फाइल। यहाँ पर मैं विंडोज़ 7 को बूटेबल बनाऊंगा, उसका मेरे पास ISO फाइल है। और आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, रफस, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने मेमोरी कार्ड को बूटेबल बनाऊंगा, जो 8 GB का है समथिंग। मैं अपना मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेमोरी कार्ड है। इससे सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेट कर देता हूँ। यस, देखिए दोस्तों, मेरा वो फॉर्मेट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं उस सॉफ्टवेयर के पास जाता हूँ, उसे ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा मेमोरी कार्ड शो हो रहा है 8 GB का। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ISO इमेज फाइल सिलेक्ट करनी है, अगर पहले से वहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है तो। उसके बाद साइड में उसके एक CD बॉक्स है, उसे क्लिक करना है आपको। वहाँ क्रिएट अ बूटेबल डिस्क लिखा है, उसे भी आपको चेक करना है, अगर अनचेक हो तो। अब वहाँ पर आपको ISO फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरा ISO फाइल डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये तो कि दोस्तों से मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब जो भी आएंगे उसे ओके करना है और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या कुछ समय लेता है तो इसे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये मेरा रेडी हो चुका है, अब इसे नॉर्मली मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चूँकि वो मेरा वोटेबल हो चुका है, ये इसे मैं रिस्टार्ट करूँगा नॉर्मली, उसके बाद आप देख सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।